हेलो फ्रेंड। तो फिर आज हम नए बुक का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। बुक का नाम आप देख ही सकते हैं, सेबियंस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जिनके राइटर हैं युवाल नो हरारी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम इन डोलिका दी बुक अनबॉक्सिंग चैनल। तो चलिए बुक खोल के अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें पेजेस कितने हैं, चैप्टर क्या क्या हैं, प्राइस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों ने क्या इसके ऊपर रिव्यू दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड, यह वीडियो एडुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य है लोगों तक बुक का सही जानकारी पहुंचाना कि कौन सा बुक सही है, कौन सा बुक गलत। यह वीडियो बुक का थोड़ा सा पेज यूज करते हैं ताकि लोग बुक को देख सके कि क्या है इस बुक के अंदर। मैं लेखक का काफ़ी आभारी हूं कि उनका तारीफ करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा बुक लिखा है। इस वीडियो से लेखक को अपना बुक बेचने में लाभ होगा और लोगों को अपना बुक ढूंढने में लाभ होगा। इस तरह से लोग बेहतर बुक ढूंढ पाएंगे और अपना जीवन संवार पाएंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ रहेंगे। तो फ्रेंड चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका कंटेंट स्टार्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं कंटेंट का पहला टॉपिक है टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री पार्ट वन, द कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, एन एनिमल ऑफ नो सिग्निफिकेंस, द ट्री ऑफ नॉलेज, ए डे इन लाइफ ऑफ आदम एंड ईव, द फ्लड। फिर पार्ट टू है द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इसमें भी चार टॉपिक हैं, हिस्ट्री ऑफ बिगर प्राउड बिल्डिंग पिरामिड, ये पिरामिड कैसे बना था इसके बारे में भी दिया हुआ है, पिरामिड, मेमोरी ओवरलोड, देर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री, द सेंट ऑफ मनी, द लॉ ऑफ रिलीजन, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इसमें सफलता का भी रहस्य दिया हुआ है। पार्ट थ्री आ चुका है, पार्ट फोर है द साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस, मैरिज ऑफ साइंस एंड एम्पायर, कैपिटलिस्ट क्रीड, द वेल ऑफ इंडस्ट्री, ए प्रीमिनेंट रिवॉल्यूशन। लगभग 20 चैप्टर दिया हुआ है। द एंड ऑफ होमो सेपियन लास्ट में दिया हुआ है, लगभग 20 चैप्टर दिया हुआ है। पेजेस के बाद चैप्टर के बारे में पता चल गया है, चैप्टर का नाम भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक दो चैप्टर खोल के आपको दिखाते हैं। ये है युवाल नोवाल फरारी। तो यह टाइमलाइन दिया हुआ है, देख सकते हैं टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री, 13.8 मिलियन एगो से स्टार्ट हुआ था और यह दी प्रजेंट तक आ गया है, लास्ट में द फ्यूचर भी दिया हुआ है। तो पार्ट वन है दी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, देख सकते हैं यहाँ पर इमेज भी दिया हुआ है, इसमें एन एलिमेंट ऑफ नो सिग्निफिकेंस, या चैप्टर वन है, इसमें कुछ पेजेस दिए हुए हैं, साथ में इमेज भी दिए हुए हैं। द कॉस्ट ऑफ थिंकिंग क्या होता है इसके ऊपर भी दिया हुआ है, लगभग 17-18 पेज दिया हुआ है एक चैप्टर पर, 17 से 18 पेज, हाँ सही है, लगभग 20 चैप्टर है। इसमें राइटर हैं युवाल नोवाल फरारी। मैं आपको इसका प्राइस पेज बताऊंगा, फिर लोगों का रिव्यू क्या है इसके ऊपर ये बताऊंगा। तो अब देख सकते हैं चैप्टर थ्री स्टार्ट हो चुका है, लगभग 20 पेज के आसपास प्रत्येक चैप्टर में है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अब। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं सेपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, या अमेजन है, हम अमेजन पा चुके हैं। इसका प्राइस दे देते हैं 425, प्राइस इसका 425 यहाँ है, पेपरबैक फॉर्मेट में होता है, यह बेस्ट सेलर बुक रहा है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पेज लगभग 400 पेज है इसका, यानी पर 20 चैप्टर 400 पेज, एडिशन है 2014 का। अब हम इसका कस्टमर रिव्यू देखेंगे कि लोगों ने क्या इसके ऊपर रिव्यू दिया है। देख सकते हैं 4.6 out of 5 मिला है, 5 स्टार ज़्यादा मिला है, 4 स्टार है, 3 स्टार है। यहाँ देख सकते हैं फेक प्रिंट, हालांकि बुक में कुछ गड़बड़ी होगा इसलिए फेक प्रिंट लिखा हुआ है, एन एक्सीलेंट रिव्यू, लेकिन बुक बहुत मस्त है, हम भी पढ़ें। दिस इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ इट्स काइंड बुक विच आई रीड एंड लेट मी टेल यू। अगला रिव्यू देखते हैं, थाउट प्रोवोकिंग, मस्त है, ओके, इस हॉरेबल प्रिंट क्वालिटी, थोड़ा प्रिंट क्वालिटी में उसका गड़बड़ होगा, यूनिक एंड थाट प्रोवोकिंग। तो अब देख सकते हैं एसरसन ओवर प्रेज ए ब्रीफ स्पेकुलेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड ओवर रेटेड। तो हालांकि एक बुक, ये भी बुक बेटर है, इसमें आपको पूरा हिस्ट्री मिलेगा, कब से लाइफ स्टार्ट हुआ था, कब तक आगे बढ़ा हुआ है, कोई कोई खराब रिव्यू दे देता है इसमें, लेकिन बुक बेटर है।
आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप अमेजन से ख़रीद सकते हैं। प्राइस लगभग 425 पड़ जाता है। तो मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ एक बार फिर से। बुक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। पेजेज लगभग 500 पेजेज, 400 पेजेज हैं। दाम 400 है। चैप्टर 20 है। इम्पोर्टेंस बता ही चुका हूँ कि यह बुक ह्यूमन ब्रीफ हिस्ट्री बता रहा है।